हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुआ है? तो अभी हैदराबाद हवाई अड्डा को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हैदराबाद हवाई अड्डा, इसी को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। और अदर ऑप्शन के डिस्कस करें तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में है और इसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रक्स अवार्ड जीता था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है, कहाँ है? दिल्ली में है। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अबू धाबी की मुडा वाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85 इक्वालिटी के लिए 1993.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी रिलायंस जियो में अबू धाबी की मुडा वाला इन्वेस्टमेंट ने 1993.60 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात आती है रिलायंस की, तो रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1973 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, कहाँ है? मुंबई में है। और इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी है, कौन है? धीरू भाई अंबानी। और इसके चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो अभी खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। खाद्य सुरक्षा दिवस इसे मनाया क्यों जाता है? क्योंकि लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने की शुरुआत 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। और किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि फूड सेफ्टी डे, इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, हिंदी में खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को विश्व रूसी भाषा दिवस मनाया गया और 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड ये दिया कब से जाता है? तो ये 2003 से दिया जा रहा है। और ये अवार्ड विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो सौरभ लोढ़ा को 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला था। राजीव जोशी की बात करें तो इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेस BD ऐप लॉन्च किया है? तो अभी बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेस BD ऐप लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। BD का मतलब होता है बांग्लादेश। इस ऐप से क्या होगा? तो जो कोरोना के पेशेंट हैं और उनके आसपास के लोगों को ट्रेस करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा।
अब बात आती है बांग्लादेश की, तो मैप में देखते हैं बांग्लादेश, ये है मैप में बांग्लादेश जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी टका है, और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद हैं। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जानवी फुकन को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है यहाँ पर फिक्की की भी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष संगीता रेड्डी हैं। कौन है? संगीता रेड्डी। और अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो संगीता रेड्डी ये तो फिक्की के ही अध्यक्ष हैं, और देवजानी घोष ये नास्कोम के हेड हैं। किसके? नास्कोम के। अब बात यहाँ पर नास्कोम की भी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेघ संदेश नाम से एक एप्लीकेशन बनाया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आप कर्नाटक में वास्तविक समय से तूफान, बारिश और बाढ़ के बारे में जानकारी ले सकेंगे। अब ये ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है, तो मैप में देखते हैं कर्नाटक को, ये है मैप में कर्नाटक जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा हैं। कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर वजूभाई वाला हैं। कौन है? वजूभाई वाला। और बेंगलोर में इन्फोसिस का हेड क्वार्टर है, विप्रो का भी हेड क्वार्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी हेड क्वार्टर है, और इसरो का भी हेड क्वार्टर है। और बेंगलुरु को ही IT कंपनीज ऑफ इंडिया कहा जाता है, और 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे बेंगलुरु ही था। और कर्नाटक में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से लेकर 2019 के बीच कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, और उसके अनुसार 2012 से 2019 के बीच 750 बाघों की मृत्यु हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में 173 बाघों की मृत्यु हुई है 2012 से लेकर के 2019 के बीच। और मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में बाघों की संख्या इस रिपोर्ट के अनुसार 526 है। कितना? 526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार के लिए किरण मजूदार शाह को नामित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये अवार्ड जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी है। अब ये तो तीसरी है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? तो फर्स्ट पे हैं नारायण मूर्ति। 2005 में इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने इंटरप्रेन्योर पुरस्कार जीता था, और 2014 में कोटक महिंद्रा के उदय कोटक ने ये अवार्ड जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी आरबीआई ने 500 करोड़ का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा का निर्णय लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये आरबीआई ने स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो एनपीसीआई का चेयरमैन विश्व मोहन महापात्रा हैं। कौन है? विश्व मोहन महापात्रा। सेबी के हेड अजय त्यागी हैं। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? चिंटला गोविंद राजुलू। और आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% से कम रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे यूएनएडीएपी के लिए गुडविल अम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो अभी यम नेत्रा को यूएनएडीएपी के लिए गुडविल अम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है यूएनएडीएपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी एडिडास ने मानुषी छिल्लर को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।